ढाकर खबर अंदाज नमस्ते ढाकर खबर से मैं निर्मलेंदु। बंगाल की इस बुलेटिन में आज हम छह खबरें के साथ आपके साथ साझा करेंगे जो छह खबरें हैं उसमें मुख्य खबर जो है वो है भाजपा में सब्वसाची दत्त टीएमसी के विधायक थे अब तक वो शामिल हो रहे हैं शह मात का खेल चल रहा है बंगाल में और जब से 16 लोकसभा में सीट जीतकर भाजपा आई है उसके बाद ये खेल और ज़्यादा मजबूत हो गया ये खेल रंग ला रही है ये खेल दिलचस्प दिलचस्प होने जा रहा है दरअसल इसकी शुरुआत सात माह पहले हो चुकी थी फरवरी के अंत की बात है जब ये एक यज्ञ में शामिल हुए थे एक जगह गए थे एक कार्यक्रम था बीजेपी का उस कार्यक्रम में मुकुल राय के वहाँ ये गए हुए थे और उस उसी समय से एक सुखबुगाट चल रही थी कानाफूसी चल रही थी कि अब ये भाजपा में शामिल होंगे हालांकि उस समय इन्होंने कहा था कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है लेकिन बात तो थी आग है तो धुआं होगा ही ये हम सब जानते हैं उस हम आपको बता दें कि सभ्यसाची जो हैं वो सबसाची दत्त बहुत कद्दावर नेता हैं और ममता भी ये मानती हैं अब हर पार्टी में कोई रुष्ट होता है कोई खुश होता है कि सबको खुश करना संभव शायद ममता के लिए नहीं है लेकिन ममता ने खुद सबसाची से बात की थी इस बारे में कि क्या आप जा रहे हो तो उन्होंने कहा था नहीं बात तब तो टल गई थी लेकिन बात थी क्योंकि जब फरवरी में मुकुल राय के घर गए थे उसके बाद से बीजेपी में शामिल होने की बातें आ रही थी लगातार आ रही थी वो बहुत मुखर नेता हैं इसलिए उनके मुखर हैं तो पार्टी के बारे में भी वो सबके सामने आलोचना करते यही उनकी कमी है इस कमी के चलते कई बार उन्हें पार्टी से निकालने की धमकी भी दी जाती है और आपको एक बता दूं कि विधानसभा नगर निगम के मेयर पद से उनको इसीलिए हटाया गया था और वहाँ पर कृष्णा चक्रवर्ती को मेयर बनाया गया था इससे वो काफ़ी दुखी थे दुखी इसलिए थे क्योंकि वो कद्दावर नेता और उनके साथ हजारों की तादाद में उनके साथ कार्य करता है सत्रह सितंबर को मोदी के सिक्सटी नाइनवें जन्मदिन पर सालटेक में आयोजित यज्ञ में भी सभ्य साची शामिल हुए थे तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर इन्हीं सब बातों को लेकर चर्चाएं गर्म थी और सब जानते थे कि ये शामिल होने वाले हैं और आखिरकार उन्होंने वहाँ पर शामिल होने की बात स्वीकारी कल संवाददाताओं से सभ्य साची ने कहा कि हाँ सब मैं बीजेपी में शामिल हो रहा हूँ आप लोग इस खबर पर मुहर लगा सकते हैं तो ये जो शह मात का खेल चल रहा है ये खेल आगे और चलेगा क्योंकि लोकसभा की 16 सीटें इनके पास है इनका एक दबदबा बना हुआ है और लोगों जो लोग भी टीएमसी से नाराज़ हैं वो लोग आगे और अपना रास्ता तलाशेंगे हमें ये विश्वास है कि इसी तरह शह मात का खेल चलता रहेगा अब हम चलते हैं दूसरी महत्वपूर्ण खबर की तरफ जो कि बंगाल से आ रही है गांधी का घर संग्रहालय में तब्दील होगा ये बहुत बड़ी खबर है ये खबर ऐसा है कि दो अक्टूबर उन्नीस को राज्य सरकार के लोक निर्माण विभाग ने समिति से परामर्श कर एक इमारत की मरम्मत की जिस इमारत में गांधी जी कभी आए थे आकर ठहरे थे और वहाँ पर अपने नोआखाली में जो उस समय मतलब जंगल राज की तरह राज फैल गया था जल रही थी मुसलमानों और हिंदुओं में बहुत जबरदस्त लड़ाई चल रही थी उस समय वो आए थे और चार दिन के अनशन पर थे और उसके बाद वो अनशन खत्म हो गया और लोग आपस में भाईचारे का संदेश देते रहे तो उसी घर को ये बेलिया घाट में वो घर है जहाँ पर गांधी रहे उस संग्रहालय के रूप में विकसित किया जा रहा है गांधी की दुर्लभ तस्वीरें इसमें मिलेंगी और लेखों का प्रदर्शित भी किया जाएगा 1950 में इमारत की देखरेख कर रहे कोलकाता गांधी स्मारक समिति के पदाधिकारियों ने कहा जब शहर जल रहा था तो गांधी और उनके समर्थक इसी घर में थे और इसी के मद्देनज़र इस घर को संग्रहालय बनाया जा रहा है इसमें डिजिटाइजेशन भी होगा इसमें गांधी जी के सारी बातें गांधी जी के सारे आंदोलन हर आंदोलन को एक एक करके इसमें रखा जाएगा अभी इसका शुल्क निर्धारित नहीं किया गया है लेकिन आगे आने वाले समय में इसका भी शुल्क निर्धारित किया जाएगा इस घर में हम आपको बता दें गांधी जी तीन हफ्ते तक रहे और वो यादगार बन गया है नोआखाली दंगे के कारण ये संग ये घर यादगार बन गया था और इसी यादगार को और मजबूत बनाने के लिए लोगों तक बात को पहुंचाने के लिए ममता बनर्जी की ये पहल है और इस पहल में एक बहुत अच्छा काम हो रहा है कि सारे लोग गांधी जी के फॉलोअर्स और गांधी जी को जो नहीं जानते बच्चे बूढ़े सब इसमें शामिल हो रहे हैं और सबको खुशी है कि गांधी जी के बारे में ये लोग जान पाएंगे और ज़्यादा जानकारी उनको मिल पाएगी अब हम चलते हैं तीसरी खबर की ओर अब हम चलते हैं तीसरी खबर की ओर तीसरी खबर यह है कि अचानक एनआरसी को लेकर भारतीय मुस्लिमों में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है दिलीप घोष ने कहा अब दिलीप घोष ने ये बात क्यों क्यों कही क्योंकि हमें लग रहा है कि दिलीप घोष ने यह बात इसलिए कही कि जिस तरह से हिंसा फैलाया गया है जिस तरह से वहाँ ग्यारह लोगों की मौत हो गई है दिलीप घोष भी चिंतित हैं क्योंकि उनका जमीन खिसकता नजर आ रहा है उनको ये मुस्लिम वोट नहीं मिलेंगे इसलिए उनको लग रहा होगा इसलिए दिलीप घोष ने हमें लगता है कि इस तरह की बात तुरंत कही एक्चुअली क्या है कि एनआरसी को लेकर सभी लोग चिंतित हैं माहौल गर्म हो गया देखकर अब दिलीप घोष कहने लगे हैं कि भारतीय मुसलमानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है ये भारतीय मुसलमान अचानक क्यों आ गया पहले तो कह रहे थे कि हम मुस्लिमों को खरीद खदेरेंगे हिंदू को नहीं खदेरेंगे हिंदू को प्यार करेंगे लेकिन अब अचानक वो कह रहे हैं कि डरने की कोई जरूरत नहीं है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है पहले यही बात ममता कह रही थी कि डरने की जरूरत नहीं है मैं हूँ आपके साथ लेकिन अब वो यही बात सुर बदल गए उनके सुर बदल गए इसलिए कि हो सकता है कि उन आपस में बातचीत की हो और बातचीत करके उन्होंने ये नतीजा निकाला हो कि ये गलत हो रहा है उन्होंने कहा जिनके पास उचित दस्तावेज हैं उन्हें डरने की जरूरत नहीं है मतलब जिन मुसलमानों के पास उचित दस्तावेज हैं उन्हें डरने की जरूरत नहीं है बारह साल पहले ये बारह साल का मामला था बारह साल के बजाय अभी ये सात साल का एक विधायक लोकसभा में पास कर दिया गया है लोकसभा में यह विधायक पास हो गया है लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हो सका पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान के हिंदू जैन ईसाई सिख और बौद्ध और पारसियों को इस खबर से राहत मिल सकती है लेकिन ये जो सुर बदलने वाला मामला है सुर इनके लगातार बदल रहे हैं और सुर इनके लगातार बदलते रहेंगे क्योंकि जब जब जैसे जैसा होता है देख कर ये लोग पार्टी वाले सुर बदलते रहते हैं तो सुर इनका फिर बदल गया कल को हो सकता है कोई और बात ये कहें हम तब तक के लिए करते हैं इंतजार और अब हम चलते चलते में ले जाकर आपको बताते हैं कि चलते चलते में आज हमारे पास तीन खबरें हैं खबरें खबरें होती हैं कल हमने एक खबर दी थी दस करोड़ लगाकर एक मूर्ति को वहाँ का सजाया जाएगा तो इस खबर पर लोगों के प्यारे और रोचक और रिएक्शंस अच्छे आए हमें अच्छा लगा इसी तरह आप लोग हमें बताते रहें हमारी कमियों को भी बताते रहें और यह भी बताएं कि खबर आपके पास कौन सा है तो खबर खबर होता है खबर पर हम कभी भी रोक नहीं लगा सकते इसलिए अगर कोई चाहते हैं कि हम खबर पर रोक लगाएं वो सही नहीं होता है खबर को खबर की तरह पेश करते हैं और खबर को आगे बढ़ाने के लिए हम अब आपको एक और खबर की ओर इशारा कर रहे हैं वो खबर है दहेज के कारण पति ने की पत्नी की हत्या गिरफ्तार कर लिया गया उनका नाम है राजू खान वो गिरफ्तार हो गए हैं मितका के पिता ने कलीम खान है मिता के पिता का नाम उन्होंने शिकायत की पुलिस से कि आरोपी पति को जेल भेजा भेज दो तो आरोपी पति को जेल भेज दिया गया इस कांड में छः और शख्स शामिल है उन्हीं के परिवार के छः और शख्स शामिल है हुआ ये था कि 27 सितंबर को आरोपियों ने उसके शरीर पर केरोसिन तेल डालकर उसे जलाकर मार डाला बहुत ही मानविक घटना है इस तरह की घटनाएं होती रहती है बंगाल में भी होती हैं लेकिन कम होती हैं इस बार बंगाल में एक और खबर आई वो भी पूजा के इस मौसम में बहुत बहुत ही कष्टदायक खबर है इस तरह से जिस तरह से टॉर्चर किया गया जिस तरह से शादी के बाद 2016 में शादी हुई थी और उसके बाद लगातार जो टॉर्चर है उस टॉर्चर के बाद अगर किसी को इस तरह से जिंदा जला दिया जाए तो वो समाज में सवाल खड़ा करता है हमारे पास भी सवाल है हालांकि पुलिस ने इस केस को कोर्ट ले जाकर कोर्ट में इनको कोर्ट सी ने सात दिनों के लिए रिमांड पर भेज दिया है उस व्यक्ति को उस पति को आगे खबर जो भी होगी हम आपको आगे बताते रहेंगे इसके बाद एक खबर और है इसी तरह की मर्मांतिक खबर है कि शालीमार स्टेशन का निर्माणाधीन स्टेशन ये शालीमार स्टेशन एक जगह है हावड़ा में वहाँ पर जो एक स्टेशन बन रहा था उसके शेड बन रहे थे वो अचानक गिर जाने के कारण एक की मौत हो गई और तीन लोग घायल हो गए गंभीर घायल हो गए और पांच लोग और घायल हैं लेकिन वो गंभीर नहीं है जिस शख्स की मौत हुई है वो दुखा चौपाल नाम है उनका 26 वर्ष उनकी एज है दरभंगा का रहने वाला है अधिकारियों ने तुरंत संज्ञान लिया कुछ लोगों को बचा लिया गया लेकिन कुछ लोग इसकी चपेट में आ गए जिस व्यक्ति की मौत हुई है वो इलेक्ट्रिक शॉक के कारण हुआ है और कहते हैं कि खबर यह है कि चालीस मिनट तक वो इलेक्ट्रिक शॉक के कारण झुलसता रहा और लोग बचाते बचाने की कोशिश करते रहे और अंततः तो बचा नहीं पाए ये एक मार्मिक खबर पूजा के समय हम आपको बता रहे हैं जबकि सब पूरे बंगाल में खुशी का माहौल है लोग एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे हैं ऐसे में ऐसी खबरें पढ़ते हैं तो अच्छा नहीं लगता लेकिन खबरें खबरें होती हैं उस खबर को हम छुपा भी नहीं सकते और इसीलिए हम आपको इस खबर की ओर इशारा कर रहे हैं एक और ख़बर है चलते चलते में जो ममता जी ने कहा यह अंतिम खबर है चलते चलते कि ममता जी ने कहा कि वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है बारिश मतलब जिस तरह से कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा पूरे देश में मटा रहा है इसलिए उन्होंने बालीगंज के एक पूजा पूजा पंडाल में उद्घाटन करने गई थी ममता जी वहाँ पर उन्होंने कहा कि प्रकृति का लगातार शोषण हो रहा है इसलिए जब बारिश होनी होती है तब बारिश नहीं होती मतलब सितंबर में बारिश नहीं होना है तो सितंबर में बारिश हो गया और तीन साल बाद पानी की कमी इस की ओर इशारा कर रहे थे कर रही थी ममता जी रेलवे के अधीन ब्रिज का बीते साठ सालों से कोई मरम्मत तक नहीं किया गया उन्होंने एक आरोप भी लगाया रेलवे पर लगाया क्योंकि रेलवे उनके अधीन में नहीं है तो रेलवे का एक साठ साल का ब्रिज गिरने के कारण गिरने की कगार पर है स्थिति अच्छी नहीं है उसका उसकी मरम्मत नहीं हो सकी है इस पर भी उन्होंने बात कही है और उन्होंने ट्वीट किया लोगों को शुभकामनाएँ दी बांगड़ा अंग्रेजी और एक और भाषा में ओदी भाषा में कि सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हम भी आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं हम भी चाहते हैं कि इस नवरात्र के माहौल में सब लोग मिलजुल कर रहें खुश कुछ, से खुशी बांटे एक दूसरे का साथ दें भाईचारा बना रहे और जिस तरह से आप लोगों ने दो दिन से पिछले दो दिन से रिएक्शंस दिए हैं पिछले दो दिन से खबरों पर बातें की हैं खबरों पर अपनी प्रतिक्रियाएँ दी हैं और खबरों पर अपनी बात भी कही है हम चाहते हैं कि आप खबरों पर बने रहें और हमारी बातों को आप सुने देखें और हमारी गलतियों को भी आप नज़रअंदाज नद, नद, न करें गलतियों को सुधारने की कोशिश करें हमें बताएं इसी के साथ हम आज आपसे इजाज़त लेना चाहते हैं हम फिर आपसे कल मुलाकात करेंगे कल मेरी आपसे फिर भेंट होगी और भेंट होगी कुछ और नए खबरों के साथ हमारी कोशिश यही है, है कि बंगाल की जो खबरें हैं वो आप तक सही तरह से पहुँचे उसके उसमें हम अपनी तरफ से कोई ऐसा काम ना करें जिससे हमें शर्मिंदी महसूस हो प्रणाम